हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप लोग का मेरी वन पीस की वीडियो में। और वीडियो शुरू करने से पहले जिसको लगता है अगर उसे वन पीस की स्टोरी पता पड़ जाएगी तो उसका वन पीस स्पॉइल हो जाएगा, तो भाइयों ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमने पिछले एपिसोड में क्या देखा था। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कैसे जो है सब लोग जो है एनएस पर भी पहुँच चुके हैं और लड़ाई जो है शुरू हो चुकी है। अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो अब होता क्या है, जो स्पैंडम होता है वो रॉबिन से बात कर रहा होता है और रॉबिन बोलती है कि देखो जो मैंने मतलब जिस मैं राजी हुई थी उसको भूलना मत। तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हारे साथ कॉपरेट करूँगी तो तुम जो है स्ट्रो हैट पायरेट्स को जो है छोड़ दोगे, पर अब इस स्पैंडम जो है मना कर देता है इस चीज़ को मानने से। तभी फ्रैंकी जो है उसको कुछ बोलता है, पर वो फ्रैंकी क्या करता है उसकी मार लगा देता है। इधर जो लूफी होता है वो सब जगह जो है एकदम तबाही मचा रहा होता है। गोमू गोमू नो गैटलिंग का यूज़ करके वो बहुत सारे बंदे जो है पीट रहा होता है। इधर क्या होता है, जो लूफी लोग अपने साथ जो जानवर लाए होते हैं वो भी जो है बहुत अच्छी तरीके से लड़ रहे होते हैं। वो लोग करते गए तो वो बहुत बड़े होते हैं, तो जो मरीन के जो कमांडर्स होते हैं और जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा मार लगा रहे होते हैं वो भी। इधर क्या होता है, जो लूफी होता है वो क्या करता है, जो दो दीवारें होती हैं मतलब कि जहाँ पे लुच्ची लोग रुके होते हैं और जहाँ पे लूफी लोग होते हैं इनके बीच में क्या होता है गैप होता है, और लूफी उस गैप को क्रॉस कर देता है और उसकी बैटल होती है किससे, ब्लूनो से। जैसे कि आप लोगों ने देखा जो लूफी है वो बैटल स्टार्ट करने वाला होता है ब्लूनो के साथ। और इधर जो है हमें दिखाया जाता है कि जो जोरो सांजी और नामी ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर क्या होता है, जो जो दो पीछे जाइंट होते हैं ना उनसे मुलाकात होती है किसकी, सोगे किंग की मतलब कि ऊसो की। यहाँ पर मैं नाम ले रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी है। तो ऊसो पता है उनसे क्या बताता है कि मैंने तुम जैसे जाइंट जो है पीछे देखे थे। और मैं बता दूँ ये किसकी बात हो रही है, जो अरबस्ता आग से पहले आपने दो जाइंट देखे थे वो उनके बारे में बताता है कि वो दोनों ठीक हैं, उन लोगों ने हाथ मिला लिया उन दोनों ने। ये तो सुन के वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और इधर क्या होता है, जो दो मॉन्स्टर जो ये लोग लेके आए होते हैं अपने साथ उसमें से एक मॉन्स्टर जो है उसके चोट लग जाती है, उसके मुंह पे जो है क्या होता है एक कैनन फायर कर दी जाती है जिसके कारण वो क्या होता है मर जाता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि जो लूफी है वो सबसे पहला अटैक करता है और वो यूज़ करता है गोमू गोमू ने राइफल, और सटीक राइफल पड़ती है किसके, ब्लूनो के। इसके बाद ब्लूनो बहुत तेज़ भागने की कोशिश करता है पर लूफी क्या करता है उसे अपनी आंखों से देखता है और एक और घूंसा दे देता है, और इस तरीके से क्या होता है लूफी अब उसकी स्पीड को मैच करने लगता है। अब क्या होता है, जैसे ही जोरो सांजी ये लोग जब आगे बढ़ते हैं तभी इनका एक और नए विलन से सामना हो जाता है जिसका नाम होता है गिल्टी। और वो करता क्या है कि जो मॉन्स्टर होता है उसके मुंह में लोहे की बॉल जो है फेंक के मारता है जिसके कारण जो है उसे डैमेज हो जाता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि जो जो ग्लोलो कंपनी है अब उनका बैकअप बन चुके हैं कौन, वो दोनों जायंट सोगे किंग ने अब उन्हें अपनी टीम में कर लिया है। इधर हमें दिखाया जाता है कि जो CP9 के जो दो बंदे हैं एक का नाम काकू एक का नाम कोलिफा, ये दोनों क्या करते हैं अब जो है ये दोनों डेविल फ्रूट खाते हैं और उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा क्या होता है कड़वा होता है मतलब गंदा टाइप का होता है। इधर हमें दिखाया जाता है लूफी और ब्लूनो की बैटल चल रही होती है। अब ब्लूनो क्या होता है सीरियस हो जाता है, और जैसे ही ब्लूनो सीरियस होता है तभी वो अपनी पावर का यूज़ करता है और जो लूफी की मुंडी होती है उसे घुमा डालता है अपनी पावर से। आपको पता है उसकी पावर क्या है, वो गेट खोल सकता है मतलब कुछ भी वो घुमा सकता है। अब क्या होता है दोस्तों, जो दूसरा मॉन्स्टर बचा होता है धीरे धीरे ही सही, पर अब वो भी क्या होता है कमज़ोर होता जाता है और वो क्या होता है गेट के पास जाके वो भी क्या होता है मर जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो वो जो गिल्टी नाम का जो बंदा होता है वो क्या करता है फिर दोबारा लूफी पायरेट्स पे हमला करता है, पर जो जो मेढक होता है वो उसे रोक लेता है। और फिर क्या होता है सांजी जाता है और उसे एक लात देता है और गिल्टी को क्या करता है ख़त्म कर देता है मतलब कि हरा देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बस्टर कॉल, ये एक बस्टर कॉल क्या है मतलब बस्टर कॉल दोस्तों वो चीज़ है जैसे ही उस पर आप लोग मतलब क्लिक करेंगे या फिर बटन दबाएंगे या जो कुछ भी है तभी वहाँ पे बहुत सारी शिप आएंगी और उस आइलैंड को क्या करेंगी तबाह कर देंगी। यही सोच के निको रॉबिन घबरा रही होती है तभी उसके पास स्पैंडम आता है और स्पैंडम बोलता है कि मैं जो हूँ बस्टर कॉल को बुला दूंगा और तुम्हारे जितने भी नाकमा हैं वो सब मारे जाएंगे। इसके बाद क्या होता है, अब हमें बैटल दिखाई जाती है ब्लूनो और लूफी की फिर दोबारा, और इस बार क्या होता है लूफी अब कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो जाता है और वो यूज़ करता है गियर सेकंडो। अब क्या होता है, जो जोरो और सांजी होते हैं वो गेट खोलते हैं और घुस जाते हैं एनियस लोबी के अंदर मतलब कि वहाँ पे जहाँ पे लूफी ऊपर छत पे लड़ रहा होता है वहीं के अंदर घुसता है और जो है वो यूज़ करता है ओनी गिरी। आधे बंदे वो अकेले ही खा जाता है और जो बचे कुचे होते हैं वो कौन होते हैं फ्रैंकी फैमिली पीट देती है। तभी वहाँ पर एक और नया विलन आता है पर वो कुछ ज़्यादा खास कर नहीं पाता है, जोरो उसे रोकता है। बाद में फ्रैंक की फैमिली कहती है तुम लोग आगे जाओ हम लोग इसे संभाल लेंगे। इसके बाद हमें दिखाई जाती है बैटल किसकी, ब्लूनो और
क्या बोलते हैं जो लूफी होता है इनकी बैटल कंटिन्यू चल रही होती है। अब जो गियर सेकंड जो होता है भाई उसकी गजब ही पावर होती है, लूफी की स्पीड इतनी तेज हो जाती है कि ब्लूनो समझ ही नहीं पाता कि हो क्या रहा है। कभी उसे लेफ्ट से घूंसे पड़ रहे होते हैं, कभी उसे राइट से घूंसे पड़ रहे होते हैं, और धीरे धीरे से वह ब्लूनो अब घबराना शुरू हो जाता है। उसे पता होता है कि मैं टिक नहीं पाऊंगा, उसे इतने घूंसे मारता है वो, और एक टाइम पे तो एक ऐसा घूंसा पड़ता है कि ब्लूनो एकदम स्ट्रेट खड़ा हो जाता है। उसे लगता है कि लूफी को लगता है कि शायद ये अब कुछ और डोज मांग रहा है, तभी ब्लूनो गिर जाता है और लूफी जीत जाता है। ये सब सुनने के बाद स्पेंडम जो है घबरा जाता है और लूफी दीवार पे खड़ा होकर बोलता है निको रॉबिन। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना सावधान रहिए, गुड बाय।